एवरीवन आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड टुडेस वीडियो इज अबाउट रूल इस वीडियो में मैं आपको रूल के बारे में बताऊंगी कि इसे क्यों यूज किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने में इसका क्या रोल है और मैंने लास्ट वीडियो में अबव प्रिंसिपल डिस्कस किया था और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस बताऊंगी जो ये रूल फॉलो नहीं करते सो दिस इज दिशा चौहान एंड योर वॉचिंग लर्न विथ फन विच मेक्स योर लर्निंग ईजी एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज मैं अपने चैनल पर ऐसे ईजी ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ सो हंड्स रूल आई हैव रिटन अबव प्रिंसिपल हाउ द इलेक्ट्रॉन फिल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है टू इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं टू एस में टू इलेक्ट्रॉन अगेन पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन एस में टू इलेक्ट्रॉन पी में सिक्स टू डी में टेन एंड पी में सिक्स वन मोर ऑर्बिटल इज देयर फोर एफ उसमें फोर्टीन इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं सो स्टेटमेंट पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी जनरेट दैट इज इक्वल एनर्जी और बाइटल टेक प्लेस ओनली वेन ऑल और बाइटल्स आर फिल्ड विद वन इलेक्ट्रॉन ईच इट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगी जब किसी भी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हुआ होगा सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एटोमिक नंबर सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी टू डाइग्रम लाइक दिस दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन

अगेन इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल करेंगे अब ऑक्सीजन पर आ जाइए एटॉमिक नंबर इज एट कॉन्फिगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी फोर इसमें फोर होता है ना नाउ इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल होंगे वन टू थ्री एंड जो बचा हुआ है वो इस तरह से पेयर होगा कम ऑन टू दिस फ्लोरिन नाइन होता है वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव कॉन्फिग्रेशन राइट करते हैं इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स वन 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 अब उसकी पेयरिंग करते हैं लाइक दिस कम ऑन टू द नियॉन टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटर्स इस तरह से इसे भी इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल फील्ड होगा एंड देन उनकी पेरिंग होगी सो दिस इज नियॉन तो दिस इज कॉल्ड हंसूल इसमें यही तो समझ में आता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होती है जब उसका ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है सो दिस इज कॉल्ड हंसूल एक्सेप्शन केसेस आर देर एक्सेप्शन लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्रोमियम फर्स्ट क्रोमियम इज हैविंग 24 फोर एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन एटीन होता है इसीलिए हम इसे शॉर्ट में आर्गन लिख देते हैं एंड उसके बाद फोर एस टू एंड कितने इलेक्ट्रॉन बचे आउट ऑफ ट्वेंटी फोर एटीन यहां पर हो गए कितने बचे एटीन ट्वेंटी एंड देन फोर सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अब इसका कॉन्फिग्रेशन राइट करते हैं हम ऑर्गन एस एंड डी और बाइटल आपको पता है डी में फाइव और बाइटल्स होते हैं अब इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा वन टू थ्री फोर दिस इज द कॉन्फिग्रेशन बट क्रोमियम ऐसा कॉन्फिग्रेशन फॉलो नहीं करता है सो so, उसका कॉन्फिग्रेशन कैसा होगा बच्चों वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस डी और बाइटल में शिफ्ट कर देगा डिस्ट्रीब्यूशन ये ज्यादा स्टेबल है एस कंपेयर टू दिस वन सो दिससे फोर एस में टू इलेक्ट्रॉन होंगे एटीन प्लस टू ट्वेंटी ट्वेंटी एंड थ्री डी में कितने जाएंगे बच्चों दिस दिस एंड इसमें टू इलेक्ट्रॉन फिल होंगे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे अब उसकी हम पेरिंग करेंगे तो दिस इज नाइन अब इसकी पेरिंग होगी लाइक दिस वन इज लेफ्ट तो अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देगा और ये कंप्लीटली

This is the Hans rule, and we already have discussed. And if you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you.